Assalamu alaikum students, today in this video we will talk about single entry topic. We are discussing solved papers year 2011 regular. You are watching commerce lecture online. Board of intermediate examination Karachi ka paper hai. Mr. Afsan started his business with cash investment of 9 lakh. He keeps his accounting records on single entry basis. This cash investment is the capital at start. Ye capital at start hai. December 31 ka data hamare samne hai. Cash at bank 1 lakh, account receivable 4 lakh 50, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 3 लाख 20, बिल्डिंग 15 लाख. ये सारे एसेट्स हैं. अकाउंट्स पेबल इज द ओनली लाइबिलिटी ऑन द ईयर एंड. सो इफ वी वॉन्ट टू कैलकुलेट कैपिटल एट एंड, वी विल एड ऑल द एसेट्स एंड वी विल सेपरेट दिस लाइबिलिटी. एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखें, यूटिलिटी बिल्स एक्सपेंस हुआ 15,000 पर मंथ, लेकिन ये उसके घर के बिल्स का एक्सपेंस है. पर्सनल यूजेस की अमाउंट को हम ड्राइंग कंसिडर करते हैं, 15,000 मल्टीप्लाई बाई 12 करके हम उसकी ड्राइंग की अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं. ही सोल्ड अ पर्सनल फ्लैट कॉस्टिंग रुपीज़ 4 लाख 50 फॉर रुपीज़ 12 लाख कैश एंड इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस. ये 12 लाख उसने और बिजनेस में इन्वेस्ट किए, तो ये उसकी एडिशनल इन्वेस्टमेंट है. कॉफ्ट की कोई वैल्यू नहीं है, जितने का वो सेल हुआ उस अमाउंट से उसने इन्वेस्टमेंट की, तो ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है. बैड डेट 5% है, अकाउंट रिसीवेबल पर कैलकुलेट करेंगे. डेप्रिसिएशन 10% है, जो बिल्डिंग पर कैलकुलेट करेंगे. स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हमने बनानी है दिसंबर 31, 2010 को. एडजस्टेड लॉस, जो प्रॉफिट एंड लॉस का इन्होंने डायरेक्ट हमें दे दिया है, वो है 92,500. इट मीन्स प्रॉफिट और लॉस हमें नहीं बनानी पड़ेगी, हमें डायरेक्टली स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जिसे हम बैलेंस शीट कहते हैं, उस पर वर्किंग करनी है. तो लेट स्टार्ट. मिस्टर आसिफ की स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हम बना रहे हैं. जो ईयर एंड के एसेट्स हैं उनको हमने पोस्ट किया, करंट एसेट्स यहाँ, उनका टोटल किया. अलाउंस फॉर बैड डेट रिसीवेबल में से माइनस होगा, बिल्डिंग में से उसका डिप्रिसिएशन माइनस होगा. टोटल करंट एसेट्स, टोटल फिक्स एसेट्स दोनों ऐड हो गए, तो हमारे पास आ गए टोटल एसेट्स. इक्विटीज़ को देखें, लाइबिलिटीज़ हैं 3 लाख 70. टोटल लाइबिलिटीज़ 3 लाख 70 ही हैं, क्योंकि एक ही लाइबिलिटी है हमारे पास. कैपिटल एट स्टार्ट में एडिशनल इन्वेस्टमेंट को प्लस करना है, नेट लॉस और ड्रॉइंग्स को माइनस करना है. अगर सपोज लॉस की जगह प्रॉफिट होता तो वो यहाँ पे प्लस होता, बट अकॉर्डिंग टू द स्पेसिमेन ऑफ ऑनर्स इक्विटी इन बैलेंस शीट, वी सब्ट्रैक्ट द लॉस इफ वी हैव एन. तो जो लॉस हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में गिवन है कि नेट लॉस आसिम ट्रेडर्स का इस साल के लिए 92,500 है, उस लॉस को हम यहाँ माइनस करेंगे, ड्रॉइंग्स को माइनस करेंगे, और फाइनली हमारे पास टोटल ऑनर्स इक्विटी, जिसे हमने लाइबिलिटीज़ में ऐड करना है और टोटल इक्विटीज़ को कैलकुलेट करना है. सो दिस इज़ अबाउट द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स फॉर मिस्टर आसिम, पेपर 2011 रेगुलर, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची. लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल.